हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आतिफ अफजल और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं जनाब अबू बकर हमीद साहब साहिवाल। आप देख रहे हैं साहिवाल मीडिया से रिएक्शन पीडिया प्रोग्राम, और आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है जी लूज टॉक की एक एपिसोड, जो कि मुइन अख्तर और अनवर मकसूद की एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो केमिस्ट्री रही थी, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। और इसके ऊपर जो है वो हम एक एपिसोड लेके आए हैं जिसका हम आज रिएक्ट करेंगे। इसमें जो है वो मुइन अख्तर साहब जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं, अपना पठान टाइप की एक्टिंग कर रहे हैं और बड़ी जबरदस्त एक्टिंग है, और देखेंगे आज की वीडियो में। और सारीन यहाँ पे बहुत अच्छा मस्त आने वाले है, बहुत अच्छा था मस्त आने वाले है, बस के मस्त क्या आएगा, चस के मस्त क्या वो पीछे पीछे देखो वाला मस्त आएगा। नहीं, ये वीडियो पीछे देखो वाला नहीं है, ये मुइन अख्तर और अनवर मकसूद की एक एपिसोड है। अच्छा अच्छा, वो जिसमें गाना गाए थे, गाना भी गाता है और बहुत जो है वो अनवर मकसूद साहब को बहुत ज्यादा जो है वो तंग करते हैं। ये कुछ नजरीन यहाँ पे बताइएगा आपके पाचन ले ले जी, प्ले करते हैं, बाकी बातें आपसे जो है वो हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी चीज जो कि हम हर वीडियो में पिछले काफी सारी वीडियोस में आपको नहीं कहा, इस वजह से आप जो है वो उसके ऊपर रिस्पांस भी नहीं कर रहे। इस पहचान भाई के कहने पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जी यूजर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हम वीडियोस शेयर करते हैं, रिएक्शन पीडिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जो कि आपका वेट कर रहे हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाना सुनाएंगे कोई भैया? गाना है, तेरे को गाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है तेरा, अल्लाह अल्लाह करने को मेरे गाना जोत है। तू शुरू गाना। तू वाले वाले रखना कदम बलम, तू वाले वाले, देखो वाले वाले कैसे बोलते, ओले ओले ऐसे ऐसे जाते हैं ना किसी के जिंदगानी में, तो बोलते हैं तू ओले ओले रखे कदम बोले, तू ओले ओले रखे कदम बोले, फिर खुल के बोलते उल्फत कराओ मैं पेचो खम सड़म टुई टुई टुई, तू ओले ओले। अभी देखो आमिर खान में मेरे में क्या कमी है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शाहरुख खान घटाकर पे काम करेगा, लेके आओ मेरे सामने। नहीं, आप में जो कमी है ना वो मुझे नजर नहीं आ रही है। तुमको क्या नजर आएगा, तुम्हारा तो आँख भी खराब है, तुमको क्या नजर आएगा, हमारा को देखो, आँख खोल के देखो कैसा शख्सियत है हम लोग। बोले बोले कदम बलम वोल बच करा वो मैं पे चुखम टुई टुई टुई, बोले बोले। ये टुई टुई कोई पश्तो लफ्ज है या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है? अच्छा, है ना, जब ही टूई टूई। आप मुल्क के गाना पसंद करें? सबको बोलते हैं लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में प्यार से सुलूक से रहो, मुसलमान लोग हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा अच्छा बात नहीं है। सब डीवीडी को, सब डीवीडी तुम क्यों बोलते हैं, पैगाम मैं देते हैं, तुम देते हैं पैगाम का, मेरे को बोल के खुद पैगाम कहीं को देते हैं। आप दोबारा दे दीजिए। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सुलूक होना चाहिए, ऐसा मिल के रहना चाहिए। जब सब लोग मिल के रहेगा तो मजबूत पाकिस्तान बनते हैं। ऐसा लगा मेरा पैगाम। डीवीडी देखो तुम, अब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। डीवीडी देखो, होशियार देखो, केबल देखो। अगर आप जैसे लोग 50-60 भी सरजमीन मिल गए ना, 50-60 को छोड़ो 10-15 का बात करो, अगर 10-15 भी मिल गया तो उल्लड़ मचा देगा। क्या मचाएंगे? उल्लड़, उल्लड़ मचाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप तशरीफ लाए। मेहरबानी। इंशाल्लाह जब अगला प्रोग्राम मैं करूंगा या आपको बुलाऊंगा तो तमाम टेलीविजन मजबूर होएगा। देखो दुनिया तुमको बोलेगा कि बुलाओ उसको, तुमको मजबूरन बुलाना पड़ेगा, खुद नहीं बुलाएगा, तुम मजबूरी ही बुलाएगा। शायरी वायरी पसंद है आपको? शायरी भी करते हैं? बहुत शायरी करते हैं। कौन पसंद है आपको? मेरे को शायरी में वो बहुत पसंद है, करीना कपूर बहुत अच्छा शायरी करते हैं। वो क्या तुम लोग बोलते हैं आजा का शायरी, क्या मुझे मज़ा भी आ रहा है। हाँ, मेरे को भी बहुत मज़ा आया बहुत दिन के बाद में, कि किसी से ऐसा खुल के दिल का बात किया। मैं टेंशन में है, तुम टेंशन में? हाँ, तुम टेंशन में? नहीं, यकीन नहीं आ रहा। पहला दफ़ा तुम्हारे सामने कोई
बोलने वाले आए हैं, हम देखते हैं तुम्हारा लुस्टाक देखते सब लोग को तुम चुपी घंटा बात किए, कोई बात भी हमने सीधा नहीं किए, तुम कैसे चुप हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं है, फिर मुलाकात होगी। हाँ क्यों नहीं होगी, किधर रहता है तू? अब मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज चुप रहे। अच्छा जी, तू किधर रहते, किधर डिफेंस में रहते? मैं नहीं रख बताऊँगा। अच्छा मत बताओ, हम आता भी हमारे को क्या जरूरत है इधर आने का, तुम्हारे घर है तुम रहो। आपने मुलाकात की मेरे मेहमान से, अभी तक मैं इनकी शख्सियत को समझ नहीं सका हूँ कि ये है क्या। मेरे को मेरा तीन बीवी नहीं समझा, तुम क्या समझिए? जब कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाता है वो मेरे को नहीं, तो उसका एंड होता है, इख्तिताम होता है। एंड वेंड कोई चीज़ नहीं है, एंड कोई चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ शुरू होते है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं तो बोले, तुम बोलेगा अगले साल तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा प्रोग्राम हर हफ्ते। अच्छा ठीक है, चलो 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 खाने चलो, खुदा हाफिज़। जी तो नाज़रीन, कैसी रही आज की एपिसोड जो है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक्टिंग करते हैं। इसकी लूज टॉक की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे, जिसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। और आज की वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, इसमें एक पैगाम दिया गया है कि सब लोगों को जो है वो इकट्ठे रहना चाहिए, हमारे जितने भी एक पैगाम और भी दिया क्या है? जी बताइए अपने व्यूवर्स को कि तीन भी होने चाहिए। तीन नहीं, मैं चार की इजाजत दी गई है, लेकिन अभी देख रही है तुम बड़ा बन जा। चार की इजाजत है, लेकिन हमारा माशरे में जो है ना वो एक ही कर ले वो ही बहुत होती है। तो अभी मेरा शादी नहीं हुआ है, दुआ करो मेरा भी हो जाए। आपका शादा जल्दी हो जाएगा। शादा नहीं, शादे शादे। चलें जी बहरहाल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कोई और अच्छी वीडियोज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और अबू बकर साहब को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।